हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 17। इसमें हमने पढ़ना है हर का प्रमेय करण। तो सबसे बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जब भी आपके पास बेटा हर में दो टर्म हो, दो नंबर ऐसे लिखे हो प्लस और माइनस के साथ, जमा और घटा के साथ, अगर जमा का है तो घटा का साइन बना के उसको अंश और हर दोनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, गुणा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक से गुणा करोगे, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या आ गया ये, ऐसे कैसे, ए जमा बी ए घटा बी क्या बन गया, ए का वर्ग घटा बी का वर्ग। तो ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 3 बटा 5 घटा 3 2, ये आपका क्या आ गया उत्तर। ठीक है, आगे देखो क्या बताया मैंने, अगर घटा है तो जमा, जमा है तो घटा, घटा है तो क्या कर दूँ, जमा, अंश को भी मल्टीप्ल गुणा कर दो और हर को भी। जब अंश को करूँगी तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35 प्लस 7√3, ए घटा भी ए जमा भी, तो ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, इससे ये कट गया, 7 × 7 = 49, तो कितना बन गया, 35 जमा 7√3, 49 घटा 3 = 46। ठीक है, तो 35 जमा 7√3/46, ये आपका उत्तर। आगे देखो सेम काम, इसमें 2 × √5, 2 × √5 तो क्या बना, 3 × 6 घटा, इससे करूँगी तो 3√5, ए जमा भी ए घटा भी, ए का वर्ग घटा बी का वर्ग, 2 का वर्ग 4, तो 4 में से 5 किया, घटा का 1, तो उत्तर आ गया माइनस घटा 6 × 3√5। ठीक है, आगे देखो घटा है तो जमा आ जाएगा, 2 वर्गमूल 5 घटा वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 5 जमा हो जाएगा, जमा रूट 3, कर दो मल्टीप्लाई, एक से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 3/, यहाँ से ए जमा बी ए घटा बी, तो इसका क्या बन गया, वर्ग घटा इसका क्या बन गया, वर्ग, इससे ये गया, जब इसको करोगे तो इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, 2 का वर्ग 4 गुना, इससे ये गया, क्या बचा, 5 × 4 = 20, 20 में से 3 गया 17, तो कितना बन गया, 2 वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 3/17। ठीक है, तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 17। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच।